हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज बताएंगे आप लोग को जेएसएससी जेई और आपका एसएससी जेई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो पोर्शन है स्टूडेंट, उसमें आपका क्या करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑल फार्मूला का रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग मारते हैं ऑल फार्मूला रिवीजन। ऑल फार्मूला रिवीजन क्या है? सभी फार्मूला को क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। ऑल फार्मूला, फार्मूला का क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। किसका रिवीजन करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन का क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। ऑल फार्मूला रिवीजन पोर्शन रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का सभी फार्मूला को क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स का सभी फार्मूला को क्या करेंगे स्टूडेंट? रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या क्या आपका प्रॉब्लम पूछा जाएगा, तो सभी फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप ध्यान देने का कोशिश करो। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी प्रॉब्लम आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जो भी आपका प्रॉब्लम आएगा वो आपका सेमीकंडक्टर से एक प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर, यहाँ पर सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं पहले हम बताते हैं सेमीकंडक्टर को। ठीक है, सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अर्धचालक। क्या होता है? अर्धचालक होता है। ठीक है, अर्ध क्या होता है? चालक होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर का मीनिंग क्या होगा हिंदी में? अर्धचालक होगा। सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन पूछेगा तो सेमीकंडक्टर इज ए क्लास ऑफ मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर टू इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर उस तरह के मटेरियल को बोलेंगे स्टूडेंट जिसका कंडक्टिविटी लाइज करेगा कंडक्टर टू इंसुलेटर। किसका? कंडक्टिविटी, 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 कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन, लाइज बिटवीन, लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में लाइज करेगा? कंडक्टर टू इंसुलेटर। कंडक्टर टू क्या होगा? इंसुलेटर। जिसका कंडक्टिविटी लाइज करेगा कंडक्टर टू इंसुलेटर उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो जिसका कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर टू इंसुलेटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो एग्जाम्पल होगा, सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो एग्जाम्पल होगा उसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो एग्जाम्पल होगा वो आपका क्या होगा? एक होगा आपका सिलिकॉन और दूसरा क्या होगा स्टूडेंट? आपका जर्मेनियम। क्या होगा? एक होगा सिलिकॉन और दूसरा क्या होगा? जर्मेनियम होगा। ठीक है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो होता है स्टूडेंट वो आपका 14 होता है और जर्मेनियम का आपका एटॉमिक नंबर जो होता है स्टूडेंट वो आपका क्या होता है? 32 होता है। तो इसको ब्रेक करेंगे तो 2, 8 और क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो 2, 8 और 18 और क्या होगा? 4 होगा। इसका मतलब सेमीकंडक्टर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो आपको याद रखना कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल का? तो आपको बोलना 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। इसका मतलब इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4 होगा। ठीक है, अब देखो, अब समझने का कोशिश करो कि आपसे पूछेगा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का एग्जांपल बताइए, तो आपको बोलना है सिलिकॉन और आपका जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है। सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, जर्मेनियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 4 होता है। इसीलिए सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या होगा? आपका 4 होगा। चलो, अब आपसे पूछेगा कि कंडक्टर किसको बोलते हैं? तो कंडक्टर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली वे में पास कर जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। इंसुलेटर उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा स्टूडेंट, उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे। बट आपका सेमीकंडक्टर क्या होगा? ये आपका टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, कब ये कंडक्टर होगा कब ये इंसुलेटर होगा ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। तो चलो हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर कब आपका कंडक्टर होगा और कब आपका इंसुलेटर होगा, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो देखो, सेमीकंडक्टर आपका कब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और कब ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा ये आपको समझना है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक ए कंडक्टर। क्या करेगा? बिहेव, क्या करेगा? बिहेव, बिहेव, सेमीकंडक्टर बिहेव,
लाइक क्या कंडक्टर। ये कंडक्टर की तरह कब बिहेव करेगा, जब आप टेम्परेचर कितना दोगे 300 केल्विन दोगे। इसका मतलब पूरा खेला किस पर है, टेम्परेचर पर है। सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक कंडक्टर अप्लाइंग द टेम्परेचर 300 केल्विन। और सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक ए इंसुलेटर, कब ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक ए इंसुलेटर व्हेन अप्लाइंग द टेम्परेचर इज 0 केल्विन। तो आपको सेमीकंडक्टर को यदि कंडक्टर में बिहेव करना है तो आपको टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, 300 केल्विन देना पड़ेगा। और सेमीकंडक्टर को इंसुलेटर की तरह बिहेव करवाना है तो आपको टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, 0 डिग्री केल्विन देना पड़ेगा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि 0 डिग्री केल्विन में सेमीकंडक्टर किस तरह बिहेव करेगा, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो इंसुलेटर होगा। और आपसे पूछेगा कि सेमीकंडक्टर 300 केल्विन में किस तरह बिहेव करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। चलो यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल से क्वेश्चन आ जाएगा। सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, तो कंडक्टर को इंसुलेटर के बीच में लाइज करता है, यहाँ से एक प्रॉब्लम आ जाएगा। अब देखो सेमीकंडक्टर बेसिकली जो होता है वो दो तरह का होता है। आपको पूछेगा कि सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं, तो आपको बोलना है स्टूडेंट कि सेमीकंडक्टर जो होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है। सेमीकंडक्टर जो होता है वो बेसिकली कितने तरह का होता है, आपको बोलना है सेमीकंडक्टर बेसिकली जो होता है वो दो तरह का होता है। आपको याद रखना होगा, कहें आपसे टाइप पूछेगा, एक होता है इंट्रेंसिक और एक होता है एक्सटेंसिव। तो स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि सेमीकंडक्टर कितने तरह का होता है, तो आपको बोलना है सेमीकंडक्टर बेसिकली दो तरह का होता है, एक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर और एक क्या होता है आपका एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होता है। चलो सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक इंट्रेंसिक होता है, दूसरा क्या होता है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। अब देखो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे, जो प्योर रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, इंट्रेंसिक बोलेंगे। प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज द क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर इज नोन एज द क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, प्योर सेमीकंडक्टर को ही क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, इम्प्योर, इम्प्योर जो रहेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अब देखो चीजों को समझो, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्योर सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, तो आपको बोला है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बोलेंगे। इसी सेमीकंडक्टर का नाम होता है डोपिंग सेमीकंडक्टर, मतलब इस सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, डोपिंग सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्योंकि आप में क्या बोला गया, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इम्प्योरिटी होता है, तो इसमें आपको इम्प्योरिटी मिलाना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इम्प्योरिटी को कैसे मिलाते हैं, डोपिंग करके मिलाते हैं। इसीलिए एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे, डोपिंग सेमीकंडक्टर बोलेंगे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलेंगे, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर बोलेंगे, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं होगा। चलो अब देखो स्टूडेंट, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में जो आपका क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा वो आपका सिलिकॉन और सिलिकॉन में होगा, बट आपका एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में आपका जो आपका क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा इसमें डोपिंग एलिमेंट के चारों ओर क्या रहेगा, सिलिकॉन एटम रहेगा, या तो डोपिंग एलिमेंट के चारों ओर क्या रहेगा, जर्मेनियम एटम रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब समझने का कोशिश कर कि आपका ये आपका प्योर सेमीकंडक्टर है और ये आपका क्या है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। तो आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है स्टूडेंट, इसका भी दो टाइप्स है, क्या है, दो टाइप्स है, एक होता एन टाइप, एक क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और दूसरा क्या होता है आपको याद रखना होगा, दूसरा होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक होता एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा क्या होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये किसका पार्ट है, तो आपको बोलना है कि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का दो पार्ट है, एक होता है एन टाइप और दूसरा क्या होता है पी टाइप। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपसे कुछ प्रॉब्लम पूछेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर कौन होता है और माइनॉरिटी कैरियर कौन होता है, और आपका इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में क्या चीज होता है। तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में इसको बोलेंगे प्योर सेमीकंडक्टर, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, होल होगा, क्योंकि आपका सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वह इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण फ्लो करता है। इसका मतलब है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ होल होगा। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा, होल होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। किसमें बराबर होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, बराबर होगा। तो आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल किस टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में होता है, तो आपको टिकआउट करना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। चलो अब देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो आप देखो स्टूडेंट, एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज्यादा होता है, और होल आपका क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब जो ज्यादा होगा उसको बोलेंगे मेजोरिटी, और जो कम होगा उसको क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी। तो आपसे पूछेगा कि एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी क्या होता है और माइनॉरिटी क्या होता है। तो आपसे बोलना है कि एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो मेजोरिटी कैरियर होता है, जो मेजोरिटी कैरियर होता है वह आपका क्या होता है, वह आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब एन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का मेजोरिटी कैरियर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन होगा, याद रखेगा इसी तरह, ठीक है। और एन टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो माइनॉरिटी कैरियर होगा, कम कैरियर वाला जो होगा वह आपका क्या होगा, वह आपका क्या होगा, होल होगा, क्या होगा, होल होगा। आपको क्या करना, याद रखना है। इसका मतलब स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी, तो मेजोरिटी होगा इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी क्या होगा, होल होगा। इसका मतलब स्टूडेंट एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा किसके तुलना में, होल की तुलना में। जो ज्यादा होगा उसको मेजोरिटी बोलेंगे, जो कम होगा उसको क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी बोलेंगे। इसका मतलब ये भी कॉन्सेप्ट को क्या करना है, याद रखना, ये भी कॉन्सेप्ट को क्या करना, याद रखना। चलो पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में स्टूडेंट मेजोरिटी कैरियर क्या होगा, तो जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, आपका जस्ट ऑपोजिट होगा। तो ऑपोजिट का मतलब है कि पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो मेजोरिटी कैरियर होगा वो आपका क्या होगा, होल होगा, क्या होगा, आपका होल होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो माइनॉरिटी कैरियर होगा वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, किस में, आपका पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको हम याद करवा रहे हैं बार बार। इसका मतलब यहाँ पर मेजोरिटी कैरियर क्या होगा, होल होगा, और यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन होगा। चलो इसका मतलब है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लेस देन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लेस देन क्या होगा, होल होगा। इसका मतलब है इसमें होल की संख्या ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, आपका कम होगा। तो चलो ये एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर हो गया, ये आपका पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर हो गया। चलो ठीक है, अब देखो इसमें मेजोरिटी बता दिए, माइनॉरिटी बता दिए, इसमें मेजोरिटी बता दिए और माइनॉरिटी बता दिए, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह के सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे, डोपिंग सेमीकंडक्टर बोलेंगे, ठीक है, ये भी सही है। इसका मतलब एन टाइप्स में डोपिंग कैसा होगा और पी टाइप्स में कैसा डोपिंग होगा, ये आपका एग्जाम में पूछेगा कि एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में डोपिंग आप किसके साथ करोगे और पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में आप डोपिंग किसके साथ करोगे, तो आपका आंसर होना चाहिए। तो एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में हम जो डोपिंग करेंगे वो एलिमेंट क्या होगा, पेंटावेलेंट होगा। तो आपसे क्वेश्चन यहां पर अराइज होगा कि पेंटावेलेंट किसको बोलेंगे स्टूडेंट, पेंटावेलेंट किसको बोलेंगे, तो पेंटावेलेंट उसको बोलेंगे जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 5 होगा, उसको क्या बोलेंगे, पेंटावेलेंट एटम बोलेंगे। और जिसके आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्राइवेलेंट बोलेंगे। तो एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग होगा वो डोपिंग मटेरियल क्या होगा, पेंटावेलेंट होगा। और इसमें जो डोपिंग होगा वो आपका क्या होगा, एटम का जो डोपिंग होगा वो एटम क्या होगा, ट्राइवेलेंट होगा। तो इसमें जो डोपिंग होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, पेंटावेलेंट एटम का होगा। पेंटावेलेंट कैसा एटम रहेगा, पेंटावेलेंट एटम रहेगा। कैसा एटम रहेगा, पेंटावेलेंट एटम के साथ इसका क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। बट इसका जो डोपिंग होगा वह क्या होगा, ट्राइवेलेंट एटम के साथ क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। चलो अब पेंटावेलेंट किसको बोलेंगे, तो जिसका बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे पेंटावेलेंट एटम, और जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्राइवेलेंट एटम बोलेंगे, ठीक है। चलो अब देखो पेंटावेलेंट किसको बोलेंगे, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या याद रखना है, तो आपको क्या करना है, पेंटावेलेंट का आपका जो एटम होगा इसको पास याद रखेगा, और इसको क्या करेगा, बी ए आई जी बैग से याद रखेगा, इसको बोलेंगे ट्राइवेलेंट,
इसको क्या बोलेंगे, पेंटावेलेंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो पा का फुल फॉर्म भी जानना है और बैक का फुल फॉर्म भी जानना है, तो बी का मतलब होगा बोरोन, ए का मतलब होगा एल्युमिनियम, आई का मतलब होगा इंडियम और जी का मतलब होगा गैलियम। ठीक है, तो ये सब जो एटम है वो आपका क्या ट्राइवेलेंट है, और पी का मतलब होगा फास्फोरस, ए का मतलब होगा एंटीमनी और एक ए का मतलब क्या होगा आर्सेनिक। इसका मतलब ये सब जो होगा स्टूडेंट ये आपका क्या होगा, ये आपका जो होगा पेंटावेलेंट एटम होगा। तो पी का मतलब होगा फास्फोरस, ए का मतलब होगा आर्सेनिक और ए का मतलब क्या होगा एंटीमनी, आप लिख सकते हो। बी का मतलब होगा बोरोन, ए का मतलब हो गया एल्युमिनियम, आई का मतलब हो गया इंडियम और जी का मतलब क्या हो गया गैलियम। इसका मतलब ये सब जो एटम होगा, ये चारों जो एटम होगा वो आपका क्या होगा ट्राइवेलेंट होगा, और ये जो एटम होगा वो आपका क्या होगा पेंटावेलेंट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर फास्फोरस को देख सकते हो, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है 15 होता है, तो इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या होगा 2, 8 और क्या होगा 5 होगा। इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5 है, इसीलिए फास्फोरस को हम लोग क्या बोलते हैं पेंटावेलेंट एटम बोलते हैं। चलो आगे की ओर चलते हैं। जैसे बी का मतलब होता है बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता 5, इसको ब्रेक करोगे तो 2 और 3 होगा, इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 3 है, इसीलिए बोरोन को क्या बोलेंगे हम लोग ट्राइवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं एल्युमिनियम, ए का मतलब होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या होता है 13 होता है, इसको ब्रेक करेंगे तो 2, 8 और क्या होगा 3 होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 3 है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे ट्राइवेलेंट बोलेंगे। तो चलो एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग होगा वो पेंटावेलेंट एटम के साथ होगा, पी टाइप का जो डोपिंग होगा वो ट्राइवेलेंट के साथ होगा, पेंटावेलेंट एटम का जो एग्जांपल होगा फास्फोरस होगा, आर्सेनिक होगा, एंटीमनी होगा, आपका ट्राइवेलेंट का जो होगा बोरोन होगा, एल्युमिनियम होगा, इंडियम होगा और गैलियम होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका फास्फोरस है एग्जांपल के तौर पर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, इसको ब्रेक करेंगे 2, 8, 5 होगा, इसका बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे पेंटावेलेंट एटम बोलेंगे। इसका बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे ट्राइवेलेंट एटम बोलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक आपको क्या करना है समझ लेना है इजी तरीका से। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट को बताते हैं और आपका फॉर्मूला भी रिविजन होते जाएगा, आपका बेसिकली आपको क्या करना है ये सब चीज को क्या करना है धीरे धीरे याद करना है। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब देखो, अब यहां से तो इतना प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, अब देखो अब आगे का प्रॉब्लम यहां से क्या पूछेगा उसको हम लोग समझते हैं, आगे का प्रॉब्लम क्या पूछेगा इससे उसको हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। अब देखो स्टूडेंट, अब यहां पर पूछेगा कि एनर्जी बैंड डायग्राम से यहां से प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम से यहां से प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। चलो अब देखो, एनर्जी बैंड डायग्राम से यदि प्रॉब्लम पूछेगा तो हम कैसे इसको डील करेंगे। अब देखो, जब भी सेमीकंडक्टर का हम लोग स्टडी करेंगे तो सेमीकंडक्टर में 2 बैंड होता है, एक होता है आपका कंडक्शन बैंड और दूसरा क्या होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, आपको याद रखना है, आपको क्या करना है याद रखना है इसमें कितने बैंड होते हैं, तो आपको बोलना 2 बैंड होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा क्या होता है वैलेंस बैंड। तो आपका ऊपर वाला जो आपका बैंड होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड और नीचे वाले जो बैंड होता है उसको क्या बोलेंगे वैलेंस बैंड बोलेंगे। तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, तो याद रखोगे कंडक्शन बैंड, क्या बोलेंगे कंडक्शन बैंड बोलेंगे। ठीक है, कंडक्शन बैंड बोलेंगे और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे वैलेंस बैंड बोलेंगे, वैलेंस क्या बोलेंगे वैलेंस बैंड बोलेंगे। तो इसको शॉर्ट में वीबी लिखते हैं, इसको शॉर्ट में सीबी लिखते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला बैंड क्या होगा वैलेंस, सॉरी कंडक्शन बैंड होगा, नीचे वाला जो बैंड होगा वो क्या होगा वैलेंस बैंड होगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ऊपर वाला बैंड को क्या नाम से जानते हैं, तो आपको बोलेंगे कंडक्शन बैंड, और नीचे वाले बैंड को क्या नाम से जानते हो, तो बोलेंगे आप बोलोगे वैलेंस बैंड। चलो ठीक है, अब इस दोनों बैंड को जो सेपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। दोनों बैंड को जो सेपरेट करता है उसी को क्या बोलेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इसको हम लोग सूचित करते हैं ईजी से, किससे ईजी से, इसको क्या बोलेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, क्या बोलेंगे फॉरबिडन एनर्जी एनर्जी गैप। दोनों के बीच में जो गैप होगा उसको क्या बोलेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलेंगे, क्या बोलेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप, उसको ईजी से सूचित करेंगे। चलो ये आपका क्या है, आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका क्या है वैलेंस बैंड है। एट द इनिशियल कंडीशन में जब आप टेम्परेचर नहीं अप्लाई कर रहे हो तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेगा वैलेंस बैंड में रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा वैलेंस बैंड में रहेगा। ये सब आपका क्या है
इलेक्ट्रॉन है। तो एट द इनिशियल कंडीशन इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड और आपका कंडक्शन बैंड आपका क्या रहेगा, खाली रहेगा, इम्पिटी रहेगा, इम्पिटी रहेगा मतलब खाली रहेगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि एट द जीरो डिग्री केल्विन में जब आप स्टडी करोगे तो वैलेंस बैंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पूरा पूरी फिलअप रहेगा और कंडक्शन बैंड क्या रहेगा आपका, इम्पिटी रहेगा, खाली रहेगा। चलो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपसे पूछेगा कि आपका इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में आपका एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट बता दिए कि आपका ऊपर में कंडक्शन बैंड होगा, नीचे में वैलेंस बैंड होगा, दोनों बैंड को जो सेपरेट करेगा उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलेंगे, वैलेंस बैंड आपका क्या रहता है, फिलअप रहता हो, और आपका कंडक्शन बैंड क्या रहता है, खाली रहता है एट द इनिशियल कंडीशन। अब देखो जैसे हम लोग टेम्परेचर को अप्लाई करेंगे, तो टेम्परेचर को जैसे ही अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो आपका क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कंडक्शन बैंड की और मूव करेगा। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाएगा, आपका यहां पर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाएगा और ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां पर खाली जगह क्रिएट कर देगा। इसका मतलब है कि आपका यहां पर आपका होल क्रिएट हो जाएगा और यही इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां चला जाएगा, आपका कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। चलो ये आपका प्रोसेस कब होता है, जब आप टेम्परेचर अप्लाई करोगे, जब टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा, और कोवलेंट बॉन्ड जैसे ब्रेक करेगा आपका क्या होगा, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। अब जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो आपका उस सेमीकंडक्टर में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा, मूवमेंट हो रहा। चलो अब आपसे पूछेगा कि आपका ये जो एनर्जी, ये कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इसका बैंड डायग्राम क्या होगा। तो चलो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हम शॉर्ट में बताते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ऊपर वाला जो होता है कंडक्शन बैंड होता है और नीचे वाला आपका क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है। इसको बोलेंगे वैलेंस बैंड और इसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड बोलेंगे। जब ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, प्योर सेमीकंडक्टर होगा, तो इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप दोनों बैंड के मिडिल में लाइज करेगा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि फॉरबिडन एनर्जी गैप मिडिल में लाइज करता है किस कंडीशन में, तो आपको बोलना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा, मिडिल में लाइज करेगा, दोनों के बीचों बीच में आपका क्या होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा। कब, जब आपका सेमीकंडक्टर क्या हो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, क्या हो आपका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, तभी जाके आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होगा वो आपका क्या होगा, मिडिल में लाइज करेगा, क्या होगा, मिडिल में लाइज करेगा, ठीक है, कब, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अब देखो यदि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होगा और एन टाइप्स का सेमीकंडक्टर होगा तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा, यह भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो चलो ऊपर वाला क्या है, आपका कंडक्शन बैंड है, और नीचे वाला आपका क्या है, वैलेंस बैंड है, ठीक है। अब देखो यदि आपका वैलेंस बैंड है, ऊपर वाला क्या है, आपका कंडक्शन बैंड है। अब देखो यदि ये एन टाइप रहेगा, यदि एन टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा, मिडिल में नहीं होगा, वो शिफ्ट करेगा। इसका मतलब है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिडिल में था, बट एन टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर में ये मिडिल में ना होके ये थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा ऊपर की तरफ, किधर की ओर चला जाएगा, कंडक्शन बैंड का क्लोज चला जाएगा। इसका मतलब है एन टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर में आपका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो किधर की ओर शिफ्ट करेगा, तो आपको बोलना है कंडक्शन बैंड के क्लोज में चला जाएगा, मतलब कंडक्शन बैंड की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा ऊपर, अब ऊपर ये शिफ्ट कर जाएगा। इसका मतलब है ये किसके क्लोज चला जाएगा, तो एन टाइप में आपका ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कंडक्शन बैंड के क्लोज चला जाएगा, आपको याद रखना है। अब देखो यदि ये आपका पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर होगा तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा, ऊपर में आपका कंडक्शन बैंड है और नीचे में आपका क्या, वैलेंस बैंड है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो
यदि ये आपका इंट्रेंसिक था तो मिडिल में हुआ, यदि आपका ये एक्सटेंसिव है तो ये ऊपर की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट कर गया, थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया, कंडक्शन बैंड के क्लोज में चला गया। और यदि ये पी टाइप होगा तो आपका क्या होगा, ये वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इसका मतलब ये वैलेंस बैंड के क्या हो जाएगा, क्लोज आ जाएगा। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे, इसका मतलब यदि पी टाइप रहेगा तो आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा, शिफ्ट करेगा किधर की तरफ, नीचे की तरफ, किसके तरफ आएगा, वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। कब, जब आपका पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर हो तब। और जब एन टाइप रहेगा तो ये क्या होगा, थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब आपसे पूछेगा कि एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप किसके क्लोज हो जाता है, तो आपको बोलना है कंडक्शन बैंड के क्लोज चला जाता है। और यदि पी टाइप रहेगा तो फॉरबिडन एनर्जी गैप किसके क्लोज आ जाएगा, वैलेंस बैंड के क्लोज आ जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका मतलब है एन टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम आपको समझ में आ गया, पी टाइप का समझ में आ गया। यदि इंट्रेंसिक रहेगा तो दोनों का क्या होगा, मिडिल में लाइज करेगा, दोनों के बीचों बीच लाइज करेगा। कब, जब सेमीकंडक्टर क्या हो, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर हो, प्योर सेमीकंडक्टर हो तब। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। सेमीकंडक्टर में आपका कितने बैंड होते हैं, तो दो बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। दोनों बैंड को जो सेपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। दोनों बैंड के मिडिल में फॉरबिडन एनर्जी गैप कब लाइज करता है, तो सेमीकंडक्टर क्या होगा, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होगा। यदि आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड के क्लोज चला जाता है तो उस तरह के सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे, एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर बोलेंगे। यदि फॉरबिडन एनर्जी गैप वैलेंस बैंड के क्लोज आ जाता है तो उस तरह के सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे, पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर बोलेंगे। यह आपका एनर्जी बैंड डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आपसे पूछेगा कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड किस कंडीशन में ओवरलैप किया हुआ रहता है, तो आपको बोलना है जब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, जब आपका कंडक्टर होगा जो चालक होगा, तो आपका चालक में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से क्या क्या रहता है, ओवरलैपिंग क्या हुआ रहता है, दोनों के बीच में कुछ भी गैपिंग नहीं होता है। इसका मतलब आपसे पूछेगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप किस कंडीशन में होता है, तो आपको बोलना है कंडक्टर के केस में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है, एक दूसरे को ओवरलैप क्या हुआ रहता है। किसमें आपका, कंडक्टर के केस में, किसमें आपका, कंडक्टर के केस में। इसीलिए कंडक्टर में क्या होता है, इजीली तरीका से क्या होता है, करंट पास करता है, क्योंकि आपका दोनों बैंड एक दूसरे से क्या किया हुआ रहता है, ओवरलैप किया हुआ रहता है। इसका मतलब स्टूडेंट, यदि आपका ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है, तो दोनों आपस में क्या हुआ रहता है, ओवरलैप किया हुआ रहता है। देखो ये आपका ओवरलैपिंग एरिया, ये आपका क्या है, ओवरलैपिंग एरिया। इसका मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में क्या किया जाता है, ओवरलैप किया जाता है। इसका मतलब ये आपका कंडक्शन बैंड है और यही आपका क्या है, वैलेंस बैंड है। इसका मतलब है दोनों बैंड आपस में क्या रहता है, ओवरलैपिंग किया हुआ रहता है। उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कंडक्टर बोलेंगे। इसीलिए कंडक्टर में क्या होता है, इजीली वे में क्या होता है, करंट पास करता है, करंट पास करता है, क्योंकि आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या हुआ रहता है, ओवरलैपिंग किया हुआ रहता है। चलो अब इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें तो आपका ओवरलैपिंग क्या हुआ रहता है। अब देखो इंसुलेटर में क्या रहता है, इंसुलेटर का भी एनर्जी बैंड डायग्राम पूछा जा सकता है। तो देखो ऊपर में क्या होगा आपका, आपको बता चुके हैं, कंडक्शन बैंड ऊपर में होगा, और नीचे में क्या होगा आपका, वैलेंस बैंड होगा। क्या होगा आपका, वैलेंस बैंड होगा। क्या होगा आपका, वैलेंस बैंड होगा। आपको याद रखना, ठीक है, इधर आपका वैलेंस बैंड होगा और ऊपर क्या होगा आपका, कंडक्शन बैंड होगा। ठीक है, अब देखो इंसुलेटर में करंट पास इसीलिए नहीं करता है, क्योंकि इसके दोनों के बीच में जो आपका एनर्जी गैपिंग रहता है इतना ज़्यादा रहता है, इतना ज़्यादा रहता है, कितना ज़्यादा रहता है, ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब है इसका गैपिंग इतना ज़्यादा होने के कारण वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन मूव करके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। इसका मतलब है कंडक्टर में इजीली वे में पास करता है, इसीलिए क्योंकि दोनों बैंड आपस में क्या है, ओवरलैपिंग क्या हुआ है।
इसीलिए इसमें आपका इजीली वे में पास करता है, इसमें पास इसीलिए नहीं करता है, इस दोनों के बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए इंसुलेटर में करंट पास नहीं करता है। और आपका सेमीकंडक्टर में दोनों के बीच में जो गैपिंग होता है, ये आपका क्या होता है, दोनों के बीच में जो गैप होता है वो आपका अराउंड द 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैपिंग रहता है। 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या रहता है, गैपिंग रहता है। इसका मतलब है इसका गैपिंग क्या रहता है, इंसुलेटर की तुलना में कम रहता है और कंडक्टर की तुलना में क्या रहता है, ज्यादा रहता है। इसका मतलब इसीलिए सेमीकंडक्टर आपका बिहेव लाइक ए कंडक्टर और समटाइम्स बिहेव लाइक ए इंसुलेटर। तो इसका एनर्जी गैप क्या होता है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसका, आपका सेमीकंडक्टर का। इसीलिए इसको कंडक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर का अप्लाई करके इसको कंडक्टर बनाते हैं। इसका मतलब ये आपका इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया, ये आपका कंडक्टर का हो गया और ये आपका क्या हो गया, सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया। तो आपसे पूछेगा कि इंसुलेटर में एनर्जी गैप कितना होता है, तो बोलना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहता है। इसीलिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर पहुंच नहीं पाता है। जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा। जब तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा तब तक उस मटेरियल में आपका करंट पास नहीं कर सकता है। इसका मतलब इंसुलेटर में जो गैपिंग होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इसमें ओवरलैपिंग क्या हो रहा था, इसमें कुछ भी गैपिंग नहीं रहता। इसका गैपिंग जो रहता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या रहता है, गैपिंग रहता है। यहाँ तक आपका एनर्जी बैंड डायग्राम हम समझा दिए। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। अब देखो स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि आपका जो डायोड जो बना हुआ रहता है वो किस मटेरियल का बना रहता है। तो डायोड जो आपका है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही बना हुआ रहता है। किसका बना रहता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही बना रहता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम का। क्या सिलिकॉन या तो क्या बना हुआ रहेगा, जर्मेनियम का, ठीक है। अब देखो अब समझने का कोशिश करो अब आपसे क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ से प्रॉब्लम। अब देखो आपसे पूछेगा कि आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम में सबसे ज़्यादा बेहतर कौन है, सबसे ज़्यादा बेहतर कौन है। चलो अब देखो ये आपका समझने का कोशिश करो। अब देखो ये आपका सिलिकॉन है और नीचे वाला क्या है, आपका जर्मेनियम है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब आप 0 डिग्री केल्विन अप्लाई करोगे और यहाँ पर जब 300 केल्विन अप्लाई करोगे, तो आपको याद रखना है कि जब सिलिकॉन में आप 0 डिग्री केल्विन अप्लाई करोगे तो इसका एनर्जी गैपिंग जो होगा वो आपका 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कितना होगा, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। जैसे आप टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो इसका बैंड गैप थोड़ा घट जाएगा, 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड आ जाएगा। इसका मतलब है जैसे आप टेम्परेचर अप्लाई करोगे उसका बैंड गैपिंग क्या होगा, थोड़ा कम होगा। जर्मेनियम का 0 डिग्री केल्विन में आपका जो बैंड गैपिंग होता है 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बट आप जैसे 300 केल्विन अप्लाई करोगे तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसका मतलब है कि सिलिकॉन में आपका एनर्जी गैपिंग 0 डिग्री केल्विन में कितना होता है, तो आपको बोलना है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 300 केल्विन में जो आपका इसका गैपिंग होगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। जर्मेनियम का 0 डिग्री केल्विन में 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और 300 केल्विन में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये आपको डायग्राम को याद रखना है, ये आपका डायग्राम को याद रखना है। एनर्जी गैपिंग जो होगा वह इतना होगा, 300 केल्विन में ये होगा, 0 डिग्री केल्विन में जर्मेनियम का ये होगा, 300 केल्विन में आपका जर्मेनियम का क्या होगा, ये होगा। इसको आपको याद रखना होगा, ये आपका डाटा एग्जाम में पूछा जाता है। चलो अब देखो जर्मेनियम और सिलिकॉन में सबसे बेहतर कौन सा आपका मटेरियल का बना हुआ डायोड ज़्यादा बेहतर है। तो सिलिकॉन का जो लीकेज करंट होता है, लीकेज करंट का मतलब है कि आपका रिवर्स बायस में सम अमाउंट ऑफ करंट क्या करता है, फ्लो करता है, उसको क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं। इसका लीकेज करंट का जो मेजरमेंट यूनिट है वो आपका नैनो एम्पियर है, मतलब बहुत ही छोटा है। और इसका जो लीकेज करंट का मेजरमेंट यूनिट है वो माइक्रो एम्पियर है। क्या है, लीकेज करंट। इसका लीकेज करंट जो लीकेज करेगा वो लीकेज करंट का जो मेजरमेंट यूनिट है वो माइक्रो एम्पियर में होता है। और इसका जो लीकेज करंट का जो मेजरमेंट यूनिट है वो आपका क्या है, नैनो एम्पियर है।
इसका मतलब कौन छोटा है, नैनो छोटा है, लीकेज करंट एक ड्रॉबैक होता है, ठीक है। इसका मतलब जिसका कम रहेगा वही बेहतर रहेगा। तो आपका सिलिकॉन का जो लीकेज करंट होता है रिवर्स बायस में, कब रिवर्स बायस में, कब आपका जब लीकेज करंट फ्लो करेगा तो बायस कैसा होगा, रिवर्स बायस होगा, ठीक है, याद रखेगा, कब होगा, रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में इसका लीकेज करंट का जो यूनिट होता है माइक्रो एम्पियर होता है, इसका क्या होता है, नैनो एम्पियर होता है, याद रखेगा, बार बार बोल रही है, पूछेगा कि सिलिकॉन का रिवर्स बायस में लीकेज करंट का यूनिट क्या होगा, तो नैनो एम्पियर होगा, और जर्मेनियम का क्या होगा, माइक्रो एम्पियर होगा। इसका मतलब लीकेज करंट जिसका जितना कम होगा वह मटेरियल उतना ही बढ़िया रहेगा, वह मटेरियल से बना हुआ डायोड क्या होगा, ज्यादा बेहतर होगा। इसका मतलब यहां से पता चल रहा है कि सिलिकॉन ज्यादा बेटर है किसके तुलना में, जर्मेनियम के तुलना में, क्योंकि सिलिकॉन का लीकेज करंट क्या होता, कम होता है बनिस्पत टू द जर्मेनियम। चलो आगे की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि इसका फॉरवर्ड करंट का यूनिट क्या होता है, फॉरवर्ड करंट का यूनिट क्या होता है, तो बोलना है इसका फॉरवर्ड करंट का यूनिट जो होगा वो मिली एम्पियर होगा सिलिकॉन का, और जर्मेनियम का भी क्या होगा, मिली एम्पियर होगा। कब आपका फॉरवर्ड बायस में आपको याद रखना है, तो फॉरवर्ड बायस में दोनों का जो करंट का मेजरमेंट यूनिट होगा मिली होगा, इसका भी क्या होगा, मिली होगा, बट रिवर्स बायस में इसका नैनो होगा, इसका क्या होगा, माइक्रो होगा। अब देखो, अब और एडवांटेज बता रहे हैं सिलिकॉन का, सिलिकॉन का टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी, टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी, हैंडलिंग कैपेसिटी, हैंडलिंग हैंडलिंग कैपेसिटी जो होता है स्टूडेंट ये ज़्यादा होता है, टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी जो होता है इसका ज़्यादा होता है, 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। बट इसका जो टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी होता है, इसका जो टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी होता है उसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है, इसका टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी जो होता है वो आपका इसके बनिस्पत क्या होता है, कम होता है, ये 75 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। इसका मतलब है, इसका मतलब है इसका टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी कम है, ये ज़्यादा टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकता है, ये इसके बनिस्पत कम टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए आपका सिलिकॉन जो डायोड होगा वह आपका ज़्यादा बेटर होगा बनिस्पत टू द जर्मेनियम। यहां से आपका कंक्लूजन निकल चुका है। तो आपसे पूछेगा कौन सा डायोड आपका बेहतर है, सिलिकॉन की जर्मेनियम, तो आपको बोलना है सिलिकॉन डायोड जो होता है ज्यादा बेहतर होता है बनिस्पत टू द जर्मेनियम, बनिस्पत टू द क्या होगा, जर्मेनियम, आपको याद रखना है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। चलो आगे की ओर चलते हैं। कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज का मतलब वह मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए उतना वोल्टेज दोगे तभी जाके वह डिवाइस क्या होगा, ऑपरेट होगा, उसी को क्या बोलेंगे, कट इन वोल्टेज बोलेंगे। तो कट इन वोल्टेज आपको याद रखना है सिलिकॉन और जर्मेनियम का, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कटिंग वोल्टेज आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्या होता है। तो इसको हम लोग भी और टाउ से दिखाते हैं, या तो कभी कभी बीसी से दिखाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका कटिंग वोल्टेज जो होता है सिलिकॉन का जो कटिंग वोल्टेज होता है उसको याद रखोगे 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम का जो कटिंग वोल्टेज होता है वो भी याद रखेगा, वो आपका क्या होता है 0.3 या तो क्या होता है 0.2 वोल्ट होता है, ये आपको टिक आउट करना है। इसका मतलब सिलिकॉन डायोड का कटिंग वोल्टेज कितना होगा, तो आपको बोलना है 0.7 होगा, जर्मेनियम का कटिंग वोल्टेज कितना होगा 0.3 या तो क्या होगा 0.2 होगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखते हैं ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, डायोड है। तो डायोड किसको बोलेंगे स्टूडेंट, तो डायोड आपका बेसिकली किसका बना रहता है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही डायोड आपका क्या रहता है, बना हुआ रहता है। डायोड, डाई मतलब दो, ओड मतलब टर्मिनल, जिसका दो टर्मिनल हो उसी को क्या बोलेंगे, डायोड बोलेंगे। एक होता है एनोड, दूसरा क्या होता है, कैथोड, ठीक है, एक होता है एनोड, दूसरा क्या होता है, कैथोड। डायोड जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, उसका करंट जो फॉलो करेगा वो आपका एनोड से किधर की ओर फॉलो करेगा, कैथोड की तरफ फॉलो करेगा। इसका करंट आपका कैथोड से एनोड की तरफ नहीं,
बह सकता है। इसका मतलब डायोड वन टाइप्स ऑफ क्या है, स्विचिंग डिवाइस है। ये आपका स्विच की तरह काम करेगा। जब आपका ये फॉरवर्ड बायस होगा तो ये आपका ऑन होगा, और जब ये रिवर्स बायस होगा तो ये आपका क्या होगा, ऑफ होगा। इसका मतलब डायोड दो टर्मिनल से बना हुआ है, एक एनोड एक होता है कैथोड। डायोड आपका क्या है, ये आपका एक्टिव डिवाइस है, और आपको बोलना है ये आपका यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब इसका करंट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होगा, एनोड तो क्या होगा कैथोड की ओर होगा। चलो अब देखो, आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कि डायोड आपका फॉरवर्ड बायस कब होगा और डायोड आपका रिवर्स बायस कब होगा। जब डायोड का बैटरी का कनेक्शन हम देखेंगे, बैटरी का कनेक्शन से ही हमें पता चलेगा कि डायोड कब आपका फॉरवर्ड बायस होगा और कब आपका रिवर्स बायस होगा। जब डायोड का एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और जब डायोड का कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो आपको समझ लेना है कि डायोड आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। क्या होगा आपका डायोड, आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। जब एनोड का कनेक्शन पॉजिटिव से हो जाए और कैथोड का कनेक्शन नेगेटिव से हो जाए, तो डायोड आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। एफ बी का मतलब फॉरवर्ड बायस होगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा फिगर देके कि ये फिगर आपका फॉरवर्ड बायस का है कि रिवर्स बायस का है, तो आपको बता देना है। चलो आप देखते हैं, यदि आपका डायोड का ये डायोड है और डायोड का कनेक्शन कुछ इस तरह करके दिया गया है, जैसे आपका डायोड का ये एनोड है और ये आपका कैथोड है, और एनोड को यदि हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड कर दिए और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड यदि कर दिए, तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो डायोड आपका इस कंडीशन में क्या होगा, ऑन होगा, बट इस कंडीशन में आपका क्या होगा, ऑफ होगा, क्योंकि एनोड का कनेक्शन नेगेटिव से हो गया, कैथोड का कनेक्शन पॉजिटिव से हो गया, डी आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। और ये ऑफ कब होगा, जब इसका कनेक्शन किसा होगा, रिवर्स बायस होगा, मतलब उल्टा कनेक्शन होगा। इसका मतलब एनोड का कनेक्शन यदि नेगेटिव से हो जाए, कैथोड का कनेक्शन पॉजिटिव से हो जाए, तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस बोलते हैं। आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब डायोड का एनोड यदि नेगेटिव से कनेक्टेड हो जाए, कैथोड आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड हो जाए, तो डायोड आपका क्या होगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। डायोड आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जब ऑफ हो जाएगा तो आपका लूप का जो फॉर्मेशन हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो करंट इसमें क्या होगा, जीरो फ्लो करेगा। ये आपको याद रखना है। अब देखो, डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम क्या होगा, तो आपको क्या करना है, उसको ध्यान देना है कि डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम क्या होगा। अब देखो, डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम को भी आपको क्या करना है, याद रखना है, वो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स यदि पूछेगा स्टूडेंट, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ पूछेगा, तो इधर आपका क्या होगा, वोल्टेज होगा, इधर आपका क्या होगा, करंट होगा। चलो ठीक है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, इधर आपका क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, इधर आपका क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, क्योंकि वोल्टेज यहां पर नेगेटिव है, यहां पर करंट आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलो, जब ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में पूछेगा, तो इसका जो डायग्राम होगा कुछ इस तरह करके होगा, और जब ये रिवर्स बायस में होगा तो इसका डायग्राम क्या होगा, कुछ इस तरह करके होगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस का फिगर है, और ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, रिवर्स बायस का क्या है, डायग्राम है। रिवर्स बायस में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फॉलो करता है, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे, भी टाव बोलेंगे, इसी को कटिंग वोल्टेज बोलेंगे। यदि सिलिकॉन का बना हुआ रहेगा तो इसको ऑन करने में 0.7 वोल्ट तक आना पड़ेगा। इसका मतलब डायोड का यदि आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम पूछे, तो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम को याद रखना है। फॉरवर्ड बायस में ये डायग्राम होगा, रिवर्स बायस में ये डायग्राम होगा। फॉरवर्ड बायस में करंट का जो यूनिट होगा स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा, मिली एम्पियर होगा, सिलिकॉन का यदि ये बना हुआ रहेगा तब। और यदि ये सिलिकॉन का बना हुआ रहेगा तो रिवर्स बायस का जो करंट का यूनिट होगा वो नैनो एम्पियर होगा, और यदि जर्मेनियम का बना हुआ रहेगा तो क्या होगा, माइक्रो एम्पियर का होगा। और आपका मिली एम्पियर फॉरवर्ड बायस में दोनों का होगा, चाहे सिलिकॉन का हो चाहे जर्मेनियम का हो। तो ये आपका क्या हो गया, VI कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम ऑफ द क्या हो गया, डायोड हो गया।
आपका डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम। अब देखो स्टूडेंट, डायोड का इक्वेशन को लिखने के लिए बोलेगा तो ID इज इक्वल टू क्या होगा, IS ब्रैकेट में लिखना है e के पावर VD ईटा टाइम्स ऑफ क्या होगा VT माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका डायोड का क्या है इक्वेशन है, इसको याद रखना है, इससे प्रॉब्लम पूछा जाता है। ये आपका डायोड करंट हो गया, ये रिवर्स सेचुरेशन करंट हो गया, ये डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज हो गया, ये थर्मल वोल्टेज हो गया, ये माइनस हो गया, ये ईटा है, ईटा ये इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यदि सिलिकॉन का रहेगा तो 1 और जर्मेनियम का रहेगा तो 2। अब देखो VT का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट, ये थर्मल वोल्टेज है, ये आपका क्या होता है KT बाई क्या होता है क्यू होता है, KT बाई क्या होता है क्यू होता है। अब बोलेगा K का मतलब क्या हुआ है, तो K का मतलब होता है बोल्जामैन कांस्टेंट। K का मतलब क्या होता है, बोल्जामैन कांस्टेंट होता है, और बोल्जामैन कांस्टेंट। T का मतलब होता है टेम्परेचर, और Q का मतलब क्या होता है चार्ज होता है। तो इसका बोल्जामैन कांस्टेंट 1.38 गुना 10^-27 होता है। ये टेम्परेचर का वैल्यू हो जाएगा 300 केल्विन, चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 1.6 गुना 10^-19 कूलम। तो आपका जो ये वैल्यू निकल के आएगा स्टूडेंट, VT का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपका 25 मिली वोल्ट या तो अप्रोक्सीमेट 26 मिली वोल्ट के बीच में आता है। इसका मतलब है थर्मल वोल्टेज जो होगा वो 25 मिली वोल्ट कभी कंसीडर करते हैं, कभी कभी 26 मिली वोल्ट कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपका सभी वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। K का वैल्यू कांस्टेंट है, T का वैल्यू कांस्टेंट है, चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट है, सभी वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो थर्मल वोल्टेज का ये आप क्या होगा ये वैल्यू निकलेगा। तो VT का जो फॉर्मूला होता है KT बाई Q होता है, K मतलब बोल्जामैन कांस्टेंट, T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसका वैल्यू होता है 300 केल्विन, और आपका क्या हो जाएगा आपका Q मतलब चार्ज का जो वैल्यू होगा 1.6 गुना 10^-19 कूलम होगा। इस वैल्यू को यहां पर डाल के सॉल्व करेंगे तो VT का जो वैल्यू आएगा 26 मिली वोल्ट या तो 25 मिली वोल्ट आएगा। इसको आपको क्या करना है याद रखना है। चलो यहां से आपका सेमीकंडक्टर में आपका जो भी प्रॉब्लम आएगा बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका यहाँ से स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए इतना चीज़ आपको आना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट वीडियो था। इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग क्या कर रहे हैं समरी टाइप का वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। तो समरी टाइप का वीडियो में हम लोग का क्या हो रहा है पूरा प्रॉब्लम डिस्कशन, मतलब बेसिक निचोड़ बता रहे हैं। बेसिक निचोड़ में क्या हो रहा है उसका पूरा थ्योरी भी आ जा रहा है, और उसका क्या क्या मेन पॉइंट है वो भी आ जा रहा है, और यहाँ से क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछने का मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है वो भी क्या हो रहा है क्लियर हो रहा है। इसका मतलब ऑल फॉर्मूला का रिवीजन कर रहे हैं, मतलब पूरा फॉर्मूला भी रिवीजन हो रहा है, कॉन्सेप्ट भी क्रिएट हो रहा है, सब कुछ बता भी रहे हैं। तो आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है, नोट्स बनाना है, अब प्रॉपर ढंग से क्या करना है पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट वीडियो था, इस तरह करके इलेक्ट्रॉनिक्स का 4-5 को वीडियो लाएंगे, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या कर लेंगे कवर कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम स्टूडेंट।